मैं हूं आपके साथ नेहा मेहता और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मातृभूमि, जिसमें आज हम बात करेंगे द आइसमैन ऑफ लद्दाख चेवांग नॉरफेल के बारे में और जानेंगे कि कैसे उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग के दम पर हल कर दी थी लद्दाख में पानी की समस्या। लद्दाख के खूबसूरत पहाड़ टूरिस्ट के लिए भले ही स्वर्ग जैसे हों, लेकिन वहाँ के लोगों से अगर पूछे, जिन्हें हर साल पानी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, तो चेवांग नॉरफेल ने उन्हीं सब लोगों से अपनी इंजीनियरिंग के कौशल को बेहतर उपयोग किया और इस ठंडे पहाड़ी क्षेत्र में पानी उपलब्ध कराने के लिए आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए। आइए आपको बताते हैं कि चेवांग नॉरफेल द्वारा बनाए गए आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स कैसे हैं और ये कैसे काम करते हैं। 79 वर्षीय सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियर चेवांग नॉरफेल को 1966 में लद्दाख के सबसे पिछड़े और दूर दराज के इलाकों में से एक जांस्कर में सब डिविजनल ऑफिसर के रूप में तैनात किया गया था। उन्हें अपनी टीम के साथ उस क्षेत्र में स्कूल, भवनों, पुलों, नहरों, सड़कों आदि का निर्माण करना था। मजदूरों की कमी होने के कारण चेवांग ने खुद ही काम करना शुरू कर दिया। चेवांग नॉरफेल, जिन्हें भारत का आइसमैन कहा जाता है, उन्होंने ठंडे और पहाड़ी क्षेत्र में पानी की कमी से निपटने में लोगों की मदद करने के लिए लद्दाख में 10 आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए हैं। लद्दाख बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन ठंडी, शुष्क और बंजर भूमि में रहना वहाँ के लोगों के जीवन को हमारी कल्पना से अधिक कठिन बना देता है। अब लद्दाख में स्थिति धीरे धीरे बदल रही है और अब उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वहाँ पर आर्टिफिशियल ग्लेशियर हैं और लोगों के पास नॉरफेल जैसे हर समस्या का समाधान निकाल देने वाले शख्स भी हैं। 1936 में जन्मे नॉरफेल कृषि बैकग्राउंड से आते हैं और 36 वर्षों से अधिक समय तक सरकारी सेवा में वो रहे हैं। शुरुआत में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे करने में नॉरफेल को मज़ा आता था और इसी को देखते हुए लद्दाख की खराब स्थिति को उन्होंने अपने इंजीनियरिंग कौशल से सुधारने का सोचा। आपको यह जानकर हैरानी होगी, लेकिन लद्दाख के लगभग सभी गांवों में सड़कें, पुलिया, पुल, भवन या सिंचाई की व्यवस्था नॉरफेल द्वारा ही की गई है, लेकिन इन सब में आर्टिफिशियल ग्लेशियर को बनाना नॉरफेल के लिए सबसे मददगार साबित हुआ। नॉरफेल ने पानी की कमी से निपटने के लिए लोगों की मदद करने के लिए लद्दाख में 10 आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए। लद्दाख की 80% आबादी खेती पर ही निर्भर है और उनके सिंचाई के पानी का मुख्य सोर्स पानी है और जो बर्फ और ग्लेशियर से पिघलने से आता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर तेजी से घट रहे हैं और इसके ही कारण किसानों को पर्याप्त पानी मिलने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर सर्दियों के महीने में बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि कड़ाके की ठंड के कारण किसान उस समय कोई फसल नहीं उगा सकते हैं। आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने का आइडिया, नॉरफेल को आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाने का आइडिया तब आया जब उन्होंने एक नल से पानी टपकते हुए देखा जो खुला रखा गया था। इसे इसलिए ऐसा रखा गया था ताकि सर्दियों में पानी को जमने और नल को फटने से बचाया जा सके। जमीन के संपर्क में आते ही पानी धीरे धीरे एक चादर के आकार में जमने लग गया और एक पुल बन गया। इसी को देखते हुए उन्होंने सोचा कि अगर हम इस पानी को बर्फ के रूप में संरक्षित कर सकते हैं तो यह सिंचाई के दौरान, खासकर बुवाई के मौसम में, किसानों के लिए कुछ हद तक मददगार हो सकता है। आर्टिफिशियल ग्लेशियर गांव के काफ़ी करीब होने के कारण प्राकृतिक ग्लेशियरों की तुलना में पहले पिघल जाते हैं। साथ ही बुवाई के दौरान पानी मिलना किसानों की सबसे महत्वपूर्ण चिंता है, क्योंकि प्राकृतिक ग्लेशियर जून के महीने में पिघलने लगते हैं और अप्रैल और मई में बुआई शुरू हो जाती है। बता दें कि गर्मियों में उच्च तापमान के कारण प्राकृतिक ग्लेशियरों से पिघलने वाला पानी नदी में बहते ही बेकार चला जाता है। इसके बजाय अगर इस पानी को गर्मियों में और शरद ऋतु में संग्रहित किया जा सकता है ताकि यह सर्दियों में ग्लेशियर बन सके, तो यह कृत्रिम ग्लेशियर वसंत में पिघल जाएगा और ग्रामीणों को सही समय पर पानी उपलब्ध कराएगा। पहला आर्टिफिशियल ग्लेशियर फुत्से गांव में शुरू किया गया। उसकी पहली योजना की लागत 90,000 रुपये थी। ग्लेशियर की चौड़ाई आमतौर पर 50 से 200 फीट और गहराई 2 से 7 फीट तक होती है। यह कम लागत वाला मॉडल केवल स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्री और स्थानीय समुदाय की मदद का उपयोग करता था। नॉरफेल ने अब तक 10 ग्लेशियरों का सफलतापूर्वक निर्माण किया है।
सबसे छोटा उमला में 500 फीट लंबा है और सबसे बड़ा फुत्से में 2 किलोमीटर लंबा है। उनके प्रयासों से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, जिससे स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि हुई है। इससे शहरों की ओर पलायन भी कम हुआ है। उनकी सरल तकनीक ने पानी को गांव के करीब ला दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि जब ग्रामीणों को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब इसे उपलब्ध कराया जा सकता है। भविष्य में वह ग्लेशियर बनाना जारी रखना चाहते हैं और लाहौल, स्पिति, जासंगर आदि जैसे अन्य क्षेत्रों में निर्माण की योजना बना रहे हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हमारे देश की ऐसी ही एक और गौरवमयी कहानी के साथ हम आपके सामने फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।